हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट दो वर्ड से मिलके बना है, इंटर प्लस नेट। इंटर कनेक्शन नेटवर्क, मतलब नेटवर्क जो आपस में कनेक्टेड हो। तो इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं फिजिकली या वर्चुअली। उन्हीं कंप्यूटर्स को दोबारा से आपस में जोड़ना, मतलब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ना, तो इसको बोलेंगे हम इंटरनेट। इंटरनेट में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों होते हैं? तो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। रिसोर्सेज का मतलब होता है जैसे हम डाटा शेयर करते हैं, इस तरह डिवाइसेस भी शेयर की जा सकती हैं, और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो आप सबको पता है कि इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। इस पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उनको हम सेंड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, कोई भी इमेज है वो सेंड करनी है, वॉइस है, वीडियो है, मल्टीमीडिया कोई भी एप्लीकेशन है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। जो नेटवर्क है वो फिजिकली भी कनेक्टेड हो सकता है, यानी वायर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे हम ब्रॉडबैंड नेटवर्क लेते, इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, और वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब है जैसे हम डाटा पैक डलवाते हैं आजकल, फिर हम हॉटस्पॉट से या ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, उसको वर्चुअली बोलते हैं। और ये पूरा नेटवर्क है ये आपस में कनेक्ट होता है, एक सिंगल नेटवर्क की तरह ही काम करता है। जो डॉक्यूमेंट नेट पे प्रेजेंट होते हैं इंटरनेट पे, उनको हम वेब डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और उसमें जो लिंक होता है जिस पे तुम क्लिक करते हो ब्लू कलर के लिंक को, फिर फर्दर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, दूसरा पेज खुल जाता है, उस लिंक को बोलते हैं हाइपर लिंक। ब्लू कलर के लिंक को हाइपर लिंक बोलते हैं। जो आपस में कनेक्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो वेब पेज या नेट पे जो पेज होता है उसको, सिंगल पेज होता है तो उसको वेब पेज बोलेंगे। जब बहुत सारे पेजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक पूरी वेबसाइट पे रिलेटेड पेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम वेबसाइट बोलेंगे, क्योंकि उस पर नेट पे बहुत सारे पेजेस प्रेजेंट हैं। जो पहला पेज हम खोलते हैं साइट ओपन करते ही, उसको बोलते हैं हम होम पेज। अब इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं? इंटरनेट बहुत फास्ट है, मतलब बहुत फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, हमेशा अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है नेट पे। एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे मूवी देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग का भी सोर्स है आजकल, लोग ऑनलाइन काम भी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं हम। इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का पूरा रिसोर्स है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो सकती है नेट पे। टीचिंग पर्पज़ के लिए भी आपको पता है आजकल स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। सोशल चैट, इसका मतलब हम चैटिंग कर सकते हैं किसी से, वीडियो चैट भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, तुम कोई भी एप्लीकेशन यूट्यूब पे चल रही है बीच में ऐड आते हैं, तो मतलब पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ होता है। आपको पता है नेट का कोई टाइमिंग नहीं होता है, मतलब 24/7 पूरे हफ्ते 24 घंटे तक काम कर सकता है। ऑनलाइन सर्वे, जैसे तुम देखते हो फीडबैक मांगते हैं, कोई भी काम होता है या किसी भी ऐप के थ्रू तुमने खाना मंगवाया तो तुमसे फीडबैक मांगा जाता है कि तुम्हें सर्विस कैसी लगी, तो सर्वे भी ऑनलाइन हो सकते हैं कि ये चीज़ कस्टमर को कितना अफेक्ट कर रही है। जॉब सर्च, आजकल तुम जो प्रोफाइल डाल सकते हो अपनी, फिर तुम्हारे पास मेल आते हैं उसके लिए। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सस्ता पड़ता है इंटरनेट काफ़ी, घर बैठे ही तुम काफ़ी तरह का काम कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डाटा हैंडल कर सकता है इंटरनेट। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो इसको तुम बेनिफिट्स भी कह सकते हो, एप्लीकेशंस भी कह सकते हो। एप्लीकेशन में सेम यही है, जैसे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो, कम्युनिकेशन मतलब बात कर सकते हो फिजिकली भी, जैसे ऐसे बात कर सकते हो, वीडियो से लाइव बातें कर सकते हो। मेडिसिन और हेल्थ फील्ड में भी, जैसे किसी भी मेडिकल मेडिसिन के बारे में अगर तुम्हें पता करना है, किसी भी हॉस्पिटल के बारे में पता करना है, उसकी सर्विसेज के बारे में पता करना है, तो भी कंप्यूटर पे तुम सर्च कर सकते हो। हॉलीडे बुक कर सकते हो, टूर एंड ट्रैवल के पैकेज मिलते हैं उसके थ्रू, जैसे ये makemytrip.com या goibibo, ये साइट हैं, ये इनसे हॉलीडे पैकेज मिलते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जब ऑनलाइन शॉपिंग, एक तो इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग होती है, और एक होता है कि तुम फ़ोन करके ऑर्डर करते हो, तो वो टेली शॉपिंग होता है। जो हम फ़ोन करके प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं उनको टेली शॉपिंग, टेलीफोन के थ्रू जो शॉपिंग होती है। ऑनलाइन न्यूज़ सुन सकते हो, ई पेपर, मतलब जो आज का पेपर है जैसे, वो इलेक्ट्रॉनिक पेपर बोलेंगे उसे, ई पेपर को, वो तुम्हें नेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा जब तुम डालोगे, तो उसको बोलेंगे ई पेपर। बिजनेस यूज़ के लिए भी, बिजनेस कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा हैंडल करने के लिए भी, हर तरह की इन्फॉर्मेशन हैंडल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हैं।